क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 6x²-3-7x। एक चीज़ ध्यान देना कि इस पॉलिनोमियल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले हम इस पॉलिनोमियल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा जब इस पॉलिनोमियल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 6x²-7x-3। हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी कि रूट्स फाइंड आउट करना है। तो हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x²-7x-3=0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6x²-9x+2x-3=0। इस दो का एक पेयर बनाएंगे, इस दो का एक पेयर बनाएंगे। इस वाले पेयर में से क्या कॉमन मिल रहा है, 3x, अंदर क्या बचा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा -3। इस वाले पेयर में से क्या कॉमन मिल रहा है, +1, अंदर क्या बचा 2x-3=0। आगे क्या करेंगे, 3x+1 2x-3=0, 3x+1=0 और 2x-3=0। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x=-1, यानी कि x= आ जाएगा -1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x=3, यानी कि x= आ जाएगा 3/2। अब ये जो आया है यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को इसके कोफिशेंट से वेरीफाई भी करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन है सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a। सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना दिया हुआ है, -1/3, प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 3/2 इक्वल टू। ए और बी कैसे निकालेंगे, इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/6, और ये आ जाएगा 7/6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना दिया हुआ है, -1/3, और बीटा कितना दिया हुआ है, 3/2 इक्वल टू। सी क्या है हमारा, -3, और ए क्या है हमारा, 6। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।